चलिए तो शुरू करते हैं फिलॉसफी से देखिए फिलॉसफी का एक जितने बहुत गहराई में ना जाके एक कॉमन सेंस में फिलॉसफी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए फिलॉसफी इज द इनर अर्ज टू इंक्वायर समथिंग एवरीबडी इज हैविंग दैट हम सभी के पास एक अंतरात्मा की आवाज़ कह लीजिए या एक सब कॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड में हमारे कई बार प्रश्न आते हैं कोई भी चीज़ हमारे आमने सामने होती है तो हमारे मन में प्रश्न उठता है तो जो प्रश्न कहाँ से आता है एंड दैट टेंडेंसी टू क्वेश्चन दैट टेंडेंसी टू टेक द थिंग्स इन योर कॉग्निशन इज टर्म एज फिलॉसफी इट इज एन इन अर्ज टू इंक्वायर समथिंग देर वॉज अ डिस्टर्बेंस ओके सो उनको एक पर्टिकुलर साइंस के अंदर रख लिया गया है और आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो आ, हमारे पास फिजिकल साइंसेज है लाइफ साइंसेज हैं और भी कई सारी नॉलेजेस हैं हमारे पास सो so, जितनी भी नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है उस सारी की सारी नॉलेज कि किसी किसी साइंस में है लेकिन जो चीज़ें अभी तक डिस्कवर नहीं है जिन चीज़ों के अभी भी हमारे पास जवाब नहीं है वो चीज़ें अभी भी फिलोसफी के दायरे में हैं दैट इट इज़ द रीज़न

मोरो uh, लेस ये भी थाट्स की बात करता है ये भी अवेयरनेस uh, की विजडम की बात करता है लाइक फिलॉसफी, बट जितनी आप वेस्टर्न फिलॉसफीज़ को आप देखेंगे ऑल वेस्टर्न फिलॉसफीज़ आर अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग्स बाय द एनवायरमेंट बाय द इंसिडेंट्स दैट आर गोइंग ऑन दैट वर गोइंग ऑन एट दैट टाइम वेन दीज था वर रेज तो जब उन जैसे आप बात करें आदर्शवाद आइडियलिज्म ये जब 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 इनका उदय हुआ है अगर आप उसकी सराउंडिंग्स को उस समय के इंसिडेंट्स की घटनाओं को देखेंगे तो उन घटनाओं से इनके इन इन विचारों को आप प्रभावित होता हुआ पाएंगे इसी तरीके से आप बात करते हैं प्रकृतिवाद की आप बात करते हैं यथार्थवाद की या रियलिज्म की बात करते हैं तो ऑल दीज आर ऑल दीज इजम्स स्कूल्स ऑफ थाट आर अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग्स एंड इंसिडेंट्स जहाँ पर ये इनका इनको डेवलप किया गया वहाँ पर जो भी इंसीडेंट्स थे वहाँ से ये ये सारे के सारे इज़म्स ये थाट्स uh, प्रभावित लगते हैं और जब हम दर्शन की भारतीय दर्शन की बात करते हैं इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं तो सभी फिलोसफी में अगर आप देखें तो अल्टीमेट एम ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन फिलोसफी इज टू अचीव द सलवेशन टू अचीव द कैबल ज्ञान टू अचीव द मोक्षा सो मोक्ष कैबल्य ज्ञान सैलवेशन और ये जो अलग अलग जो टर्म्स यूज की गई हैं ये बेसिकली लेकिन इनका मतलब एक ही है कि जो जीवन मरण का जो चक्र है इस चक्र से मुक्ति पाना और आ, जो एक पाथ डिसाइड किया गया है उस पाथ पर चलते हुए अल्टीमेट एम को अचीव करना तो इंडियन फिलोसफी इस मायनों में वेस्टर्न फिलोसफी से डिफरेंस डिफरेंट हो जाती है दैट वेस्टर्न फिलोसफी के जो एम्स हैं यू विल फाइंड दैट ई की हर थॉट के अंदर एम्स डिफरेंट हैं हर थॉट किसी एक पर्टिकुलर uh, विचारधारा को लेकर चलता है लेकिन जब इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात करेंगे तो अल्टीमेट एम्स सेम है और उस तक पहुँचने के लिए रास्ते सामने अलग अलग बताए हैं सो ब्रॉड ओके सम दैट आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है एक्चुअली दे व सम

इंडियन फिलासफी और वेस्टर्न फोसफी में मोटा मोटा एक हम लोग एक डिफ्रेंस समझ लिया कि वेस्टर्न फिलासफी के जो थाट्स हैं वो काफ़ी डाइवर्स हैं डाइवर्स आप देखिए कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अफेक्टेड है कोई स्परिचुअल स्परिचुअलिटी से अफेक्टेड है कोई नेच uh, नेचर से अफेक्टेड है कोई uh, uh, किसी और फिलोसफी से uh, किसी और डायमेंशन uh, से अफेक्टेड है लेकिन जब uh, भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन का जो अल्टीमेट एम है वो सब में सेम है और उस एम तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो सबने अपने अलग अलग तरीके से बताए हैं तो अब हम लोग बात करते हैं भारतीय दर्शन की क्योंकि अभी हमारे भारतीय दर्शन ही चल रहे हैं इन क्लासेस में तो भारतीय दर्शन को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन आस्तिक और नास्तिक के बारे में सभी को पता है एक वे जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं एक वे जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते तो जब आस्तिक दर्शन की बात करते हैं तो अगेन आस्तिक दर्शन को भी दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एक एक कैटेगरी को बोलते हैं वेदानुकूल यानी कि वे दर्शन जो वेदों के अनुकूल अपनी परिभाषाएं है देते हैं अपने देते हैं और एक वो दर्शन जो वेद ही है वेद से के संदर्भ में ही है उनको वैदिक दर्शन बोलते हैं उनको वैदिक दर्शन कहा जाता है तो वेदानुकूल और वैदिक दर्शन इसकी अगर हम वे, वेदानुकूल में अगर हम बात करें तो वेदानुकूल के अंदर हमारे सांख्य योग न्याय वैशेषिक आई रिपीट सांख्य योग न्याय वैशेषिक इनको शामिल किया जाता है और जब वैदिक की बात करते हैं तो वैदिक में पूर्व मीमांसा जिसको हम लोग सिर्फ मीमांसा भी बोलते हैं जिसमें कर्मकांड का जिक्र किया गया है और वेदांत जिसको हम लोग उत्तर मीमांसा कहते हैं ये भी इसमें है तो हालांकि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का अर्थ ये नहीं है कि वो वेदों का पहला भाग है और ये वेदों का अंत है लेकिन दोनों के दोनों एक अलग अलग विचारधारा को बताते हैं लेकिन बट क्योंकि दोनों वेदों से संबंधित हैं इसलिए उनको वैदिक विचारधारा में रखा जाता है तो भारतीय दर्शन की आस्तिक में आस्तिक जो दर्शन है उनमें दो कैटेगरी बनाई है वेदानुकूल एंड वैदिक जो वेदानुकूल की बात करते हैं उनमें सांख्य योग न्याय और वैशेषिक को शामिल किया गया है और जब हम वैदिक की बात करते हैं तो उसमें मीमांसा दर्शन जिसको पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है और वेदांत शंकराचार्य जी ने इस वेदांत के एक हिस्से का वर्णन किया उनको बहुत फेमस भी किया है और उसमें वेदांत आता है तो इसमें से हम लोग सांख्य दर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं हम लोग वेदांत दर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं योग दर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं बुद्धिज्म आपको पढ़ाया गया है जो कि नास्तिक दर्शन में है आज की क्लास में हम लोग जैनिजम पढ़ रहे हैं <coughs> <coughs> तो आस्तिक दर्शन के बाद हम बात करते हैं नास्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन में ब्रॉडली स्पीकिंग तीन दर्शन को शामिल किया गया है जिसको एक चार दर्शन दूसरा है जैन दर्शन और तीसरा है हमारा बौद्ध दर्शन बौद्ध दर्शन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में अभी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा लेकिन स्टिल आ, कुछ चीजें और हैं जो बौद्ध दर्शन में मुझे आपसे डिस्कस करनी है तो नेक्स्ट क्लास जब भी मुझे मिलेगी या एक्स्ट्रा क्लासेस जो हमारी संडेज को होंगी उसमें मैं इन सब चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा तो आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं जैनिज्म की जैन दर्शन की तो इसमें दो चीज़ें देखिए शुरुआत से अगर हम बात करें तो जैन एक धर्म था लेकिन आ, बाद में कई लोगों ने जो इस पर ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों को के माध्यम से जैन धर्म के विचारों को एक दर्शन के रूप में आ, स्थापित करने का प्रयास किया गया है तो जैन धर्म के जो विचार हैं वो आगे चल के जैन दर्शन और जैन दर्शन के के नाम से जैन दर्शन के नाम से उनको आगे स्थापित किया गया अलग अलग लोगों के द्वारा तो हम लोगों को यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जैन दर्शन को पढ़ना है तो मैं आपको जैन दर्शन के बारे में बताते हुए उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करूंगा जिन पॉइंट्स के ऊपर आपको सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि जैन दर्शन एक इतना बड़ा दर्शन है जिसको समझने के लिए वी नीड एटलीस्ट फाइव टू सिक्स क्लासेस लेकिन क्योंकि आ, हमारे सिलेबस में बहुत लिमिटेड है तो वी विल डिस्कस वी विल कंसनट्रेट आवर सेल्स टूवर्ड्स द पर्टिकुलर पॉइंट्स On which we, uh, the questions may be arise. Again, there is a point. Uh, someone is asking that my voice is breaking. <clears throat> uh, please, uh, anybody, uh, you can uh, comment and say that whether I'm, uh, whether you are, my voice is audible to you all or not. Am I audible to you all? इट टेक्स टाइम आपका कमेंट आप सबमिट करने तक और मेरे पास आने में थोड़ा सा सेक्शन ऑफ सेकंड्स का टाइम लगता है होपफुली आई एम ऑडिबल टू यू ऑल तो हम लोग बात कर रहे हैं जैन दर्शन की अब जैन दर्शन में देखिए सबसे पहला सवाल जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन है जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन है या जैन दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक कौन है अब जैन दर्शन में जो जैन शब्द है ये जिन शब्द से अराइज हुआ है और जो जिन शब्द है ये संस्कृत की जी धातु से आया है और जिन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है द कन क्वरर यानी कि विजेता और यहाँ पर जैन दर्शन के संदर्भ में यदि विजेता शब्द या द कनक्र को अगर हम पढ़ते हैं तो इट मीन्स द पर्सन हु हैज कंक्वाड ऑल हिज सेंस ऑर्गन्स यानी कि यदि मैंने अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है तब मुझे जितेंद्रीय या जैन जिन कहा जाएगा एंड फॉलोअर्स ऑफ जिन आर नोन एज जैन फॉलोअर्स ऑफ जिन आर नोन एज जैंस तो जो भी जैन धर्म के अनुयायी हैं उनको जैन कहा जाता है बिकॉज दे आर फॉलोअर्स ऑफ जिन और Uh, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं जिनमें से कुछ तीर्थंकर के नाम बड़े प्रमुख हैं, जो आपको याद रखने हैं। नंबर एक जो सबसे पहले तीर्थंकर हुए हैं जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है और इनको ऋषभ देव भी कहा जाता है <clears throat> तो जो आदिनाथ है इनको वर्धमान महावीर जी थे और उनको uh, oh, एम सॉरी सो मैं आपको बता रहा था कि जैन धर्म में जो जैन शब्द है इसकी उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता और विजेता का अर्थ यहाँ पे जैन धर्म में लिया जाता है वह व्यक्ति जिसने अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो ऐसे व्यक्ति को जिनेन्द्रिय या जितेंद्रिय या जिन कहा जाता है और जो लोग जिन को फॉलो करते हैं ऐसे लोगों को जैन कहा जाता है क्लियर दूसरी चीज अभी जैन धर्म के जो प्रमुख प्रवर्तक हुए हैं उसमें सबसे पहले जो है वो आदिनाथ जी है आदिनाथ जी ठीक है जिनको ऋषभनाथ भी कहा जाता है ठीक है तो ये आदिनाथ जी ने सबसे पहले अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी और इनको कहा जाता है कि ये सबसे पहले प्रवर्तक हैं जैन धर्म के और इसके बाद चौबीस प्रवर्तक हुए एक एक करके हम उनमें से कुछ प्रवर्तकों के नाम याद रखेंगे जैसे पहले और ट्वेंटी थर्ड और ट्वेंटी फोर्थ अभी तक एग्ज़ाम में इन्हीं में से पूछे गए हैं और इज चांसेस की यही यही क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जाते हैं तो इसमें आपके आदिनाथ जी ट्वेंटी थर्ड में आपके पार्श्वनाथ जी हैं और पार्श्वनाथ जी को इसलिए भी याद रखा जाता है क्योंकि पार्श्वनाथ जी ने ही महाव्रत का कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने चार महाव्रत के बारे में बताया था कि कोई भी व्यक्ति जो जैन धर्म का पालन करना चाहता है और वह व्यक्ति जो जैन धर्म को पूरे तरीके से मानना चाहता है उसको चार महाव्रत का पालन करना पड़ेगा और जो चार महाव्रत थे सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह रिपीट करता हूँ सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह अपरिग्रह सो so, uh, सत्य में ट्रुथ अहिंसा में नॉन वायलेंस अस्ते, आपको uh, नॉन स्टीलिंग एंड अपरिग्रह आपको बहुत ज्यादा चीज़ें ज़रूर से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी है और चौबीसवें जो तीर्थंकर महावीर हुए उन्होंने इसी महाव्रत में एक और uh, महाव्रत ऐड किया जिसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है और ब्रह्मचर्य को ऐड करते ही पंच महाव्रत की संख्या इनको दी गई तो इसलिए ट्वेंटी थर्ड तीर्थंकर और ट्वेंटी ये इंपॉर्टेंट है आपको आ सकता है कि सबसे पहले महाव्रत की संख्या किसने थी तो ट्वेंटी थर्ड जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी सॉरी पार्श्वनाथ जी उन्होंने महाव्रत की संख्या दी लेकिन उन्होंने चार महाव्रत के बारे में बताया था पांचवा जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य जिसे बोलते हैं उसको ऐड किया था महा भगवान महावीर जी ने जो कि ट्वेंटी तीर्थंकर थे तो ये एक आ, कुछ कॉमन सी चीजें थी जो आपसे आपको मैंने अभी शेयर की इसके अलावा देखिए जैन धर्म जैन दर्शन को बहुतत्ववादी दर्शन कहा जाता है जैन दर्शन को बहुतत्ववादी दर्शन कहा जाता है वट इज द रीजन फॉर दैट क्योंकि ये एक तत्व में विश्वास नहीं रखते इनके इनके अनुसार पूरा जो ब्रह्मांड है वो तत्वों से मिलकर है पूरा ब्रह्मांड जो है वो तत्वों से मिलकर बनाया है और तत्वों को ही इन्होंने एक शब्द यूज किया है द्रव्य पूरा ब्रह्मांड जितनी भी चीजों से मिलकर बनाया है उन सभी को इन्होंने नाम दिया है द्रव्य अब यहाँ पे द्रव्य का शब्द हिंदी भाषा के द्रव्य से नहीं है जिसका अर्थ होता है लिक्विड यहाँ पे जो द्रव्य का अर्थ है एनीथिंग चाहे वो विजिबल है चाहे वो इनविजिबल है पूरा ब्रह्मांड जिन चीजों से मिलकर है उसी को ही द्रव्य की संज्ञा दी गई है और द्रव्य को भी दो मुख्य भाग, भागों में बांटा गया है अस्तिकाय और अनस्तिकाय अस्तिकाय और अनस्तिकाय अस्तिकाय का अर्थ होता है जिसके पास काय है काय मतलब काया है यानी कि जो शरीर जो शरीर से जो जिनके पास अपना शरीर है जो दिखाई देते हैं और अनस्तिकाय जिसके पास शरीर नहीं है जैसे कि टाइम तो समय जो है वो अनस्तिकाय है और समय के अलावा जितनी भी चीजें ब्रह्मांड में है उन सभी को अस्तिकाय कहा गया है रिपीट करता हूं पूरा ब्रह्मांड जिन तत्वों से मिलकर बना है उस उनको द्रव्य कहा गया है नंबर एक नंबर टू द्रव्य को भी दो भागों में बांटा गया है अस्तिकाय और अनस्तिकाय अस्तिकाय जिनके पास जो शरीर युक्त है अनस्तिकाय जो शरीर रहित है जैसे कि आपका टाइम और काल हिंदी में काल कहा जाता है अब हम लोग बहुत ध्यान से अस्तिकाय को पढ़ेंगे क्योंकि ये जो डिस्कशन अब मैं करने जा रहा हूं ये पूरे जर्निज्म में डिस्कशन बार बार यूज होगा तो प्लीज इस डिस्कशन को काफी ध्यान से सुने अस्तिकाय को दो भागों बांटा गया है जीव और अजीव आई रिपीट अस्तिकाय यानी कि शरीर युक्त पदार्थ उसको दो भागों बांटा गया है जीव और अजीव जीव की बात करते हैं तो जीव का अर्थ जीव से अर्थ है इनका आत्मा जीव से इनका अर्थ है आत्मा और अजीव यानी कि निर्जीव चीजें जितनी भी हैं उन सबको अजीव कहा गया है अब जीव की पहले हम जीव की क्लासिफिकेशन करते हैं कि जीव या आत्मा ये कितने प्रकार की होती है और कौन सी चीजें हैं जो उसको प्रभावित करती हैं तो मैं आपको बता दूं जो जीव है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बद्ध जीव और मुक्त जीव आई रिपीट बद्ध जीव यानी कि बॉन्डेड लिविंग एंड फ्री लिविंग बॉन्डेड लिविंग एंड फ्री लिविंग बद्ध जीव एंड मुक्त जीव जैन धर्म कहता है या जैन दर्शन कहता है कि हर वह आत्मा जो अपने कर्म के बंधन से जुड़ी हुई है अपने कर्म के बंधन से जुड़ी हुई है ऐसी आत्मा को उन्होंने कहा है बद्ध जीव और कर्म का बंधन क्या ये सांसारिक्ता. सांसारिक्ता है यह सांसारिकता सांसारिकताएं और जिसकी वजह से हम अपने त्रिरत्न का प्रयोग नहीं कर पा रहे वो सभी संसारिकताएँ हमें संसार से जोड़ के रखती हैं तो वे आत्माएं जो संसार से जुड़ी हुई हैं अपने कर्म से जुड़ी हुई हैं ऐसी आत्माओं को बद्ध जीव कहा गया है और वे आत्माएं जो संसार से परे जा चुकी हैं यानी कि संसारिकता को छोड़ चुकी हैं और त्रिरत्न का पालन करते हुए पूर्ण नैतिकता को प्राप्त कर चुकी हैं ऐसी आत्माओं को फ्री फ्री सोल या फिर मुक्त जीव कहा गया है कर्म मुक्त आत्मा बद्ध जीव कर्म युक्त या शरीर युक्त आत्मा और मुक्त जीव कर्म मुक्त आत्मा इसको ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और जैन जैनिज्म में ये कॉन्सेप्ट बार बार आएगा तो इसलिए अभी इसको समझना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले हम बात करते हैं वह आत्मा जिस जो शरीर युक्त है वह आत्मा जो अभी कर्म के बंधन से जुड़ी हुई है ऐसी आत्मा को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है एक एक त्रस टी आर ए एस हिंदी में त्रस त्रस का मतलब होता है मूविंग मूविंग एनिमल जो ऐसे जीव जो मूव करते हैं और एक है स्थावर स्था, स्थावर का अर्थ होता है फिक्स स्टैटिक ऐसे जीव जो स्टैटिक हैं तो जब हम त्रस की बात करते हैं तो त्रस को इन्होंने पांच चार कैटेगरी में बांटा है पंचेंद्रीय पंचेंद्रीय जीव चतुरेंद्रीय जीव त्रेंद्रीय जीव और द्वेंद्रीय जीव जैसा कि नाम से पता चल रहा है पंचेंद्रीय जीव पंचेंद्रीय जीव द लिविंग बीइंग विद फाइव सेंस ऑर्गेन्स लाइक ह्यूमन बीइंग, दीज आर नोन एज पंचेंद्रीय चतुरेंद्रीय जीव लिविंग बीइंग बीइंग विद फोर सेंस ऑर्गेन्स लाइक मधुमक्खी मधुमक्खी इज नॉट हैविंग ईयर्स सो दैट इज वाई इट इज इज इट इज चतरेन्द्रिय एंड देर आर थ्री सेंस ऑर्गेन्द्रिय फॉर एग्जाम्पल आप यू मस्ट है आपने देखी होगी चींटी जो है वो त्रेंद्रीय होती है उसके पास सुंगने की क्षमता होती है उसके पास टेस्ट की क्षमता होती है और उसके बाद उसको फील करने की क्षमता होती है लेकिन उसके पास ईयर नहीं होते और आइज नहीं होती हैं तो आ, कहने का अर्थ है कि ये त्रि इंद्रिया होती इनके पास तीन इंद्रियाँ होती हैं इसके बाद हम बात करते हैं द्वेन्द्रीय जीव द्वेन्द्रीय जीव वे जीव होते हैं इनके पास केवल दो ही इंद्रियाँ होती हैं तो इस प्रकार से जितने भी मूविंग एनिमल मूविंग बींग्स हैं जिनको त्रस कैटेगरी में रखा गया है इनमें पंचेंद्रिय चतुरेंद्रीय त्रेंद्रिय और द्वेंद्रिय आते हैं <coughs> और इसके बाद हम बात करते हैं वो एनिम वो आ, लिविंग बींग्स जिनको जिनमें सिर्फ सिंगल सेंस ऑर्गन है इसको जैन ने कहा है स्थावर और स्थावर के अंतर्गत अगर हम बात करें तो स्थावर के अंतर्गत उन्होंने वो सभी चीजों को शामिल किया है जिनके अंदर केवल एक ही सेंस ऑर्गन है और इस कैटेगरी में ये लोग शामिल करते हैं अर्थ को यानी हमारी पृथ्वी को और ऐसी चीजें जो पृथ्वी से पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं उन सबको इन्होंने सिंगल सेंस ऑर्गेन वाले जीव बोला है जैसे मिट्टी जब तक पृथ्वी से जुड़ी हुई है मिट्टी जब तक पृथ्वी से जुड़ी हुई है तब तक वह एकद्रीय जीव है इसी प्रकार से और पृथ्वी का है और इसी तरीके से जल काइक कि जो जल से जुड़े हुए चीजें हैं जैसे वर्षा ओला ओस ठीक है जिनका जो कनेक्शन है वो वाटर सिस्टम से है उनको जल कायिक कहा गया है इसी तरीके से एक और सिस्टम है जिसको कायिक कहा गया यानि कि वो हर वो चीज़ जहाँ पर फायर है अग्नि है उसको कायिक कहा गया है इसी तरीके से वायु कायिक, यानी कि जैसे हवा आंधी ये वायु में आती है इसी तरीके से वनस्पति कायिक जिसमें सारे पेड़ पौधे सब वनस्पति कायिक में आते हैं तो इन सभी को या स्थावर की संख्या दी गई है मैं रिपीट कर देता हूं अपने क्लासिफिकेशन को ताकि आप आप लिंक कर सके मैंने सबसे पहले बताया पूरा ब्रह्मांड द्रव्य से मिलकर बना है द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है अस्तिकाय और अनस्तिकाय अस्तिकाय जो कि शरीर युक्त होते हैं अनस्तिकाय जो शरीर रहित होते हैं अस्तिकाय को फिर दो भागों में बांटा गया है जीव और अजीव अभी हम जीव की बात कर रहे हैं जीव को भी दो भागों में बांटा गया है बद्ध जीव और मुक्त जीव आपको यहां तक तो जरूर याद होना चाहिए इसके आगे जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा डिटेल है आप बेशक अगर याद ना कर पाए तो इसी लेक्चर को बार सुन लीजिएगा या किसी किताब से इसको रेफर कर लीजिएगा तो जो जीव दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बद्ध जीव और मुक्त जीव बी अच्छा और जीव का अर्थ आत्मा आत्मा से है जीव का अर्थ आत्मा से है तो बद्ध जीव यानी कि बद्ध आत्मा बॉन्डेड सोल ड सोल कौन सी होगी बद्ध आत्मा कौन सी होगी वह आत्मा जो अभी कर्म के बंधन से जुड़ी हुई है कर्म के बंधन से फ्री नहीं हो पा रही उसे बद्ध जीव या बद्ध आत्मा कहा गया है और, और मुक्त जीव या मुक्त आत्मा कहा गया है उस आत्मा को जो अपने कर्म से मुक्त हो चुकी है ऐसी आत्मा को कर्म मुक्त जीव कहा गया है तो जीव को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है और जो बद्ध जीव है ये भी दो कैटेगरी में अगेन डिवाइडेड है मूविंग मूविंग एनिमल्स मूविंग सोल और नॉन मूविंग सोल अच्छा जैन धर्म की एक सबसे बड़ी खास बात है कि जैन धर्म के अंतर्गत कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग निर्जीव मानते हैं लेकिन जैन उनको भी सोल फुल मानता है फॉर एग्जाम्पल सॉइल मिट्टी जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है ये भी एकेंद्रीय जीव है फल जो हम खाते हैं फ्रूट्स जब तक ये पेड़ से जुड़े हुए हैं तब तक ये भी एकेंद्रीय में आते हैं इसी प्रकार से वर्षा ये जल का एक में आता है एकेंद्रीय जीव में आता है तो ऐसी चीजें जिनको हम लोग सोचते हैं कि इनमें सोल का कोई काम नहीं है वहां भी जैन धर्म उसमें भी सोल को अज्यूम कर अज्यूम करता है तो ये बात मैंने सारी बताई आपको जीव के बारे में तो मोटे मोटे तौर पे आपको याद रखना है जीव बद्ध जीव और मुक्त जीव और बद्ध जीव भी दो तरह का है मूविंग और स्टैटिक बद्ध जीव के बाद अब हम मुक्त जीव बद्ध जीव मुक्त जीव हमने पढ़ लिया यानी कि जीव हम लोगों ने पढ़ लिया जीव के बाद हम बात करते हैं अजीव अजीव या नॉन लिविंग नॉन लिविंग चीजों को चार कैटेगरी में बांटा है पहला है पुद्गल पुद्गल पर आपको क्वेश्चन आया हुआ है पुद्गल पर आपको क्वेश्चन आया हुआ है पुद्गल का मतलब होता है मैटर पदार्थ नॉन मूविंग सोल का एग्जांपल है आप आपकी अर्थ और अर्थ के ऊपर जो uh, मिट्टी है दैट सॉइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मूविंग सोल द प्लांट्स प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मूविंग सोल आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू प्रगति यू हैव आज द क्वेश्चन वट इज नॉन नॉन मूविंग सोल सो जीव के बाद हम बात करते अजीव की अजीव को चार कैटेगरी में बांटा गया है पुद्गल आकाश धर्म अधर्म पुद्गल का मतलब है मैटर यानी कि कोई भी चीज़ किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी है तो ऑल मैटर uh, या भौतिक तत्व जिसे बोलते हैं फिजिकल एलिमेंट आर नोन एज पुद्गल इस पुद्गल के ऊपर क्वेश्चन आपको आया हुआ है यूजीसी नेट में और ये दो या तीन बार रिपीट हुआ है तो पुद्गल का uh, मतलब होता है भौतिक तत्व या फिजिकल मैटर पुद्गल के बाद हम बात करते हैं आकाश आकाश को भी इन्होंने अजीव की कैटेगरी में रखा है अजीव की कैटेगरी में आज की क्लास कठिन लग रही है थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं और ज़्यादा आपको इसीलिए पूरी क्लास अगर आप अटेंड करेंगे तो मैं इसमें से साथ के साथ आपको ये बताता जा रहा हूँ क्या इम्पॉर्टेंट है और कोई भी क्लास जिसमें आपको टेक्निकल चीज़ें बताई जाएंगी तो और नॉन डिस्टेंस मोड के माध्यम से बताई जाएंगी तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ही तो आई एम ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए और कोई चीज़ आपकी छूटे ना तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी गहराई में जाकर चीज़ें आपको बताई हैं मोटे मोटे तौर पे अगर आप जिन चीज़ों को याद रखेंगे उन चीज़ों को मैं आपको आ, साथ के साथ बताता जाऊंगा तो उनको उनको भी अगर आप नोट कर रहे हैं तो इट्स सफिशियट ठीक है तो आ, लेकिन जब आप कभी भी आप क्लास लेते हैं तो आप कभी भी कोई क्लास ऐसे नहीं ले सकते कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ और इस चीज़ को रख लूँ तो आपको एक क्वान्टिटी मेंटेन करनी पड़ती है दैट्स वाई आई हैव डिस्कस ऑल दीज थिंग्स तो एक बार आपके ही लिए प्रदीप सिंह जी के लिए दोबारा से हल्का सा क्लासिफिकेशन रिपीट करता हूं क्योंकि इस क्लासिफिकेशन पर मैं इसलिए इम्पॉर्ट जोर दे रहा हूं क्योंकि इसी क्लासिफिकेशन के ऊपर पूरा जैन दर्शन आधारित है अभी आप देखेंगे कि एक बार अगर, अगर आपने ये क्लासिफिकेशन तीन या चार बार मैं इसको रिपीट करूंगा अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो इसके बाद फिर आपको जैन दर्शन ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा और आपको जो अभी मुश्किल लग रहा है फिर वो चीज़ें आसान होती चली जाएंगी मोटे मोटे तौर पर जैन दर्शन बोलता है कि पूरा ब्रह्मांड द्रव्य से मिलकर बना है और जो द्रव्य है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है अस्तिकाय और अनस्तिकाय अस्तिकाय जो शरीर युक्त है अनस्तिकाय जो शरीर रहित है जैसे कि काल यानी कि समय अस्तिकाय की बात करें तो अस्तिकाय को दो कैटेगरी में बांटा गया है जीव और अजीव जीव की व्याख्या मैंने अभी की है आपको जो याद रखना है कम से कम इतना याद रखना है कि जीव को दो कैटेगरी में बांटे बद्ध जीव और मुक्त जीव दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जीव का अर्थ जैन धर्म में आत्मा से लिया गया है तो आत्मा और जीव को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं तो बद्ध जीव यानी कि वह बद्ध आत्मा वह आत्मा जो शरीर से युक्त है ठीक है वह आत्मा जो भी कर्म बंधन से जुड़ी हुई है और वह आत्मा जो कर्म से मुक्त हो चुकी है उसे मुक्त जीव कहा गया है इतना याद रखिएगा इतना याद रखिएगा जीव को दो कैटेगरी बांटेगा बद्ध जीव और मुक्त जीव और जो जैन धर्म है ना ये बद्ध जीव यानी कि बद्ध बद्ध आत्मा को मुक्त आत्मा कैसे बनाया जाए पूरा जैन दर्शन इसी के ऊपर है और इसी के बारे में है और हम लोग उसमें से यही पढ़ेंगे कि कैसी शिक्षा जैन धर्म के जैन धर्म के जैन धर्म में या जैन दर्शन में कैसी शिक्षा के बारे में बताया गया है जिसके द्वारा बद्ध जीव या बद्ध आत्मा को मुक्त आत्मा बनाया जा सके और ऐसी आत्मा जो कर्म मुक्त हो गई है हम सब लोग संसारिकता से जुड़े हुए हैं तो किस तरीके से संसारिकता से छोड़ा जाए यही जैन धर्म हमें बताएगा अभी आने वाले दो तीन चीजों में बस तो इतना याद रखिएगा द्रव्य अस्तिकाय अस्तिकाय अनस्तिकाय के अंदर जीव और अजीव और जीव के अंदर बद्ध जीव और मुक्त जीव इतना याद रखेंगे अब अजीव की बात करते हैं जीव की बात हो गई अजीव के अंदर मैंने आपको बताया चार चीजें हैं पुद्गल आकाश धर्म अधर्म आई रिपीट पुद्गल आकाश धर्म अधर्म फ्री सोल का एग्जाम्पल अभी आपको पता चल जाएगा जैसे ही हम लोग अभी अभी डिस्कशन में थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वहां पर फ्री सोल अभी अगर मैं अभी बता दूंगा तो उससे संबंधित बहुत सारी चीजें और हैं जो आपको बतानी पड़ेंगी इतना समझ लीजिए फ्री सोल मींस जब आप जैन धर्म के जैन दर्शन के त्रिरत्नों को त्रिरत्न दिए गए हैं उन त्रिरत्नों को पालन कर लेते हैं तो उनका पालन करने से आपको नैतिक उसका उसका पालन करने के बाद आपको आपके अंदर नैतिकता आ जाती है और जब नैतिकता का पालन पूरा करना आरंभ कर देते हैं तो उसके बाद आपकी जो बद्ध आत्मा है वो मुक्त आत्मा में परिवर्तित हो जाती है और इस दौरान कई सारी क्रियाएं जो आपको करनी होती हैं जैसे पांच महाव्रत हैं जो आपको करने होते हैं और चार काशाए यानी कि चार चीजें ऐसी हैं जो खराब चीजें हैं जिनसे आपको हमेशा दूर रहना है तो पांच और चार इन चीजों से जो व्यक्ति दूर रहेगा और त्रिरत्ना का पालन करेगा वह बद्ध जीव से मुक्त जीव में परिवर्तित हो जाएगा और मुक्त जीव वह जीव है जिसको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई है ठीक है तो अभी इतना याद रखिए आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तब तो आपकी ये जो कन्फ्यूजन है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी तो अजीव की हम बात कर रहे थे अजीव को चार कैटेगरी में बांटा गया है पुद्गल आकाश धर्म और अधर्म आई रिपीट पुद्गल आकाश धर्म और अधर्म पुद्गल यानी कि मैटर या भौतिक तत्व जितने भी हैं वो सभी पुद्गल हैं जैसे मिट्टी जब तक पृथ्वी से जुड़ी हुई है तब तक तो वो एकेंद्रीय जीव है लेकिन जब हमने पृथ्वी से मिट्टी एक्सट्रैक्ट कर ली तब वो मैटर है ठीक है तो वो अजीब आ गई अजीब हो गई इसी तरीके से पुद्गल का मतलब एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको अब हम बात करते हैं आकाश आकाश का तो आकाश मीन्स शून्य आकाश का लिटल मीनिंग देखेंगे इट मीन्स शून्य शून्य का मतलब आ, कुछ भी नहीं से यहाँ पे नहीं शून्य का मतलब है आपके आ, एक ऐसी आ, स्पेस से है तो जितना भी आपका ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड को हम लोग आकाश बोलते हैं और आकाश को शुद्ध हिंदी में अगर आप देखेंगे तो शून्य कहा जाता है लेकिन शून्य का मतलब यहां पे कुछ नहीं से नहीं है बहुत कुछ से है तो जितना भी हमारा स्पेस है दैट स्पेस इज नोन एज आकाश उसके बाद हम बात करते हैं धर्म अजीव के अंदर मैंने चार चीज बताई थी पुद्गल आकाश धर्म और अधर्म धर्म की बात करते हैं धर्म मीन्स एनीथिंग विच मेक्स यू मूवेबल विच मेक्स यू डायनामिक जो चीज आपको आपके अंदर ऊर्जा का संचार करती है जो चीज आपको गतिशील बनाती है जो चीज आपको एक्टिव बनाती है जैन, जैन में जैनिज्म में उसको धर्म कहा गया है उसके बाद हम अधर्म की बात करते हैं वह चीज जो आपको किसी चीज से जोड़ती है स्टैटिक रखती है फिक्स रखती है यानी कि आपके अंदर जड़त्व की भावना को डालती है दैट इज़ नोन एज अधर्म तो चार चीजें उन्होंने बताई हैं पुद्गल, आकाश धर्म और अधर्म इन हाँ जी आई एम सॉरी बीच में आई थिंक देर वॉज ए कॉल इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल मेक श्योर कि क्लास मेरी लैपटॉप पर हो सो so दैट uh, इस तरह के uh, जो डिस्टर्बेंसेज है वो क्रिएट ना हो बीच में तो अभी uh, हम लोगों ने मोटे मोटे तौर पर फिर बार रिपीट करता हूँ ब्रह्मांड का निर्माण द्रव्य से हुआ है द्रव्य को दो कैटेगरी में बांटा गया है अनस्तिकाय अस्तिकाय, अस्तिकाय को फिर दो कैटेगरी में बांटा गया है जीव और अजीव और जब हम जीव की बात करते सॉरी कॉल और कई बार होता है कि बीच बीच में कई सारे लोगों को नहीं पता कि मैं क्लास ले रहा हूँ बिकॉज नॉट माई रूटीन टाइम टू टेक क्लास हाँ जी तो आ, उनमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि फिलॉसफी की देयर मैनी ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी बट देयर थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी वन इज मेटाफिजिक्स अनदर इज एपिस्टमोलॉजी अनदर इज एक्सीओलॉजी मेटाफिजिक्स डील्स विद द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द रियलिटी एपिस्टमोलॉजी डील्स विद द क्वेश्चंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड एक्सी अब हम लोग जैन धर्म को एजुकेशन से जोड़ रहे हैं और एजुकेशन से जोड़ने के लिए हम लोग फिलोसफी की जो ब्रांचेज हैं उनके अकॉर्डिंग देखते हैं कि जैन जैन दर्शन क्या कहता है तो सबसे पहले हम बात करें ज्ञान विमांसा इसको इपिस्टमोलॉजी कहा जाता है इपिस्टमोलॉजी डील्स विद नॉलेज एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉलेज तो जैन धर्म के अनुसार रियल नॉलेज अकॉर्डिंग टू जैन दर्शन रियल नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ जीव एंड अजीव रियल नॉलेज तभी आपको जीव का ज्ञान हो पाता है तो आपको जैन धन के अनुसार याद रखना है कि ज्ञान के कितने भेद हैं ओके okay. Am I audible to you all? Please uh, make any comment. Someone is saying that I am not audible. This problem is always there in uh, distance classes. Am I audible? Please uh, press any button so that I can uh, see whether I am audible or not. I am not getting any comment. Okay. Brijendra has said that I am audible. Okay. Thank you, Brijendra. Uh, you always help me. <laughs> ओके okay. तो हम लोग बात कर रहे थे जैन दर्शन की और जैन दर्शन के अंदर ज्ञान मीमांसा की बात कर रहे थे तो मोटे मोटे तौर पे तो पहले इतना समझ लीजिए कि जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान ज्ञान मीमांसा ज्ञान मीमांसा का अर्थ होता है ज्ञान ज्ञान किसे कहेंगे वास्तविक ज्ञान किसे कहेंगे ज्ञान के संबंध में प्रश्न करना तो जैन धर्म के अनुसार जो ज्ञान मीमांसा है या ये कह लीजिए वास्तविक ज्ञान जैन धर्म के अनुसार जो है वह जीव का ज्ञान है यानी कि आत्मा का ज्ञान जब आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तब यह कहा जाएगा कि आपको वास्तविक ज्ञान है और आत्मा का ज्ञान करने से पहले आपको अजीव का ज्ञान करना होगा अजीव मतलब मैंने आपको बताया था पुद्गल आकाश धर्म और अधर्म जब आपको इनका ज्ञान कर लेंगे तभी आप जीव का ज्ञान कर पाएंगे और जीव और अजीव के बीच में जब आप संबंधों का कि जीव और अजीव में क्या संबंध है जब ये जान जाएंगे तब आपको वास्तविक ज्ञान होगा जैन के जैन धर्म के अनुसार अब उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इन्होंने ज्ञान के कुछ भेद बताए हैं ज्ञान के प्रकार बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको नोट कर लीजिएगा दे आर फाइव टाइप्स ऑफ नॉलेज वन इज मति ज्ञान मति ज्ञान मतिज्ञान द नॉलेज गेन्ड थ्रू सेंस ऑर्गन्स जो नॉलेज आपको इंद्रियों से प्राप्त होती है उसे आप लोग उसे मति ज्ञान कहा गया है जैन धर्म में इसी को प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहा गया है इसके बाद होता है श्रुति ज्ञान श्रुति ज्ञान वह ज्ञान जो लक्षण प्रतीकों या शब्दों के माध्यम से होता है ऐसे ज्ञान को श्रुति ज्ञान कहते हैं रिपीट लक्षण प्रतीकों या शब्दों के माध्यम से होता है ऐसे ज्ञान को श्रुति ज्ञान कहा जाता है मति ज्ञान सेंस ऑर्गेन से मिला हुआ ज्ञान श्रुति ज्ञान जो लक्षण प्रतीकों और शब्दों के माध्यम से होता है इस या स्वाध्याय के माध्यम से होता है स्वाध्याय एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आगे हम पढ़ेंगे स्वाध्याय के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया इसको श्रुति ज्ञान कहा गया है मति ज्ञान हो गया श्रुति ज्ञान होगा तीसरा है अवधि ज्ञान अवधि ज्ञान यानी कि नॉलेज ऑफ टाइम पीरियड देश व काल की परिधि से परे देश व काल की परिधि पर सरकमफ्रेंस इससे परे का ज्ञान यानी कि यहीं बैठे बैठे यदि मुझे किसी और जगह की नॉलेज है यानी कि हम यह, यहाँ बैठे बैठे यदि मैं बता दूं कि दिल्ली में क्या हो रहा है यहाँ बैठे बैठे मैं बता दूं कि अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है ज्ञान, ठीक है आपको देश व काल की परिधि से ज्ञान इसको आप लिए, आपको अपनी अंतर्दृष्टि, ठीक है मेरे ख्याल से कोई काम होगा का तो बता देना कि वो लगभग एट थर्टी तक खुल जाएंगे और जो उन्होंने काम बोला था वो हो गया है हाँ जी तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान अब अवधि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमें अपनी अंतरदृष्टि का विकास करना होता है अपने कर्म बंधन को कमजोर करना होता है जितना हम लोग मुक्त जीव की ओर चलेंगे उतना ही हमारे अंदर अवधि ज्ञान बढ़ता जाएगा इसके बाद चौथा है मन पर्याय ज्ञान आई रिपीट मनह पर्याय ज्ञान मन पर्याय ज्ञान से अर्थ है वह ज्ञान जो आपको दूसरे के भावों को समझने में हेल्प करता है वह ज्ञान जो आपको दूसरों के भावों को समझने में हेल्प करता है उसे मन पर्याय ज्ञान कहा जाता है तीसरा है अवधि ज्ञान अवधि ज्ञान तीसरा है ऋतु कंबोज ने पूछा है वट इज द थर्ड ऑप्शन तो थर्ड वॉज अवधि ज्ञान पहला था मति ज्ञान दूसरा श्रुति ज्ञान तीसरा अवधि ज्ञान और चौथा है मन पर्याय ज्ञान मन पर्याय ज्ञान मन पर्याय ज्ञान होता है एक ज्ञान जिसके जब वह ज्ञान आपको हो जाता है तब दूसरों के मन की बातों को जान लेते हैं और जैन धर्म के अनुसार यह संभव है तो मन पर्याय ज्ञान लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए जैन धर्म में चार बुरी आदतों को काशाय कहा गया है काशाय का ठीक है तो जो काषाय हैं चार काशाये बताएं जिनको हम लोग अपनी बुरी आदतें भी कह सकते हैं अगर आप इनसे जब तक मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक आपको इस प्रकार के ज्ञान का प्राप्ति नहीं हो पाएगी तो जैन धर्म के अनुसार यदि आप क्रोध लोभ मोह और अहंकार आई रिपीट क्रोध लोभ मोह और अहंकार अगर आप इन चार काशायों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं तभी आप मन पर्याय ज्ञान के अधिकारी बनते हैं हाँ अवधि ज्ञान हो गया यस yes. तो मैंने अभी आपको तो बताया मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान और हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज को उन्होंने कहा है कैबल्य ज्ञान कुछ बुक्स में आपको ये केवल ज्ञान के नाम से लिखा हुआ है कुछ बुक्स में यह केवली ज्ञान लिखा हुआ है कुछ बुक्स में कैवल ज्ञान लिखा है लेकिन इसकी जो करेक्ट प्रोनाशिएशन है इट्स कैवल्य ज्ञान जो कैवल्य ज्ञान है इसको इसको सामान्य शब्दों समझे तो पूर्ण ज्ञान ऐसा ज्ञान जिसको जानने के पश्चात कुछ और जानना शेष ना रह जाए जब एक ऐसी स्थिति जिसमें ज्ञाता व ग ज्ञाता व गिय का अंतर समाप्त हो जाए ऐसी स्थिति को कैवल्य ज्ञान की स्थिति कहा गया है तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं मति ज्ञान द नॉलेज ऑफ सेंस ऑर्गन्स द नॉलेज विच यू रिसीव फ्रॉम द सेंस ऑर्गन आपको इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे मति ज्ञान कहा जाता है श्रुति ज्ञान वह ज्ञान जो लक्षण प्रतीकों और शब्दों के माध्यम से होता है जिसके लिए आपको स्वाध्याय की आवश्यकता पड़ती है इसको श्रुति ज्ञान कहा जाता है तीसरा अवधि ज्ञान वह ज्ञान जो देश व काल की परिधि से परे का ज्ञान है यानी कि जब मैं यहीं बैठे बैठे किसी और अवधि की बात बता सकूं, दैट 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 नॉलेज इज बेसिकली अवधि ज्ञान नॉलेज ऑफ टाइम पीरियड देन फोर्थ इज मन पर्याय ज्ञान वह ज्ञान जिससे दूसरों के मन की बातों को जाना जा सकता है ऐसे ज्ञान को मनह पर्याय ज्ञान कहा गया है और मन पर्याय ज्ञान इससे पहले अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान और इसके बाद कैवल्य ज्ञान इन तीनों ज्ञान की प्राप्ति आप केवल तभी कर सकते हैं जब आप पंच महाव्रत का पालन करें और चार काशाय से अपने आप को मुक्त रखें रिपीट करता हूं। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान और कैवल्य ज्ञान इनकी प्राप्ति केवल तब हो सकती है जब आप पंच महाव्रत का पालन करें और अपने आप को चार काशायों से मुक्त रखें पंच महाव्रत मैंने आपको बताया था सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य रिपीट सत्य यानी कि हमेशा सच बोलना है अहिंसा मन और विचार में भी किसी का बुरा नहीं सोचना है अहिंसा अस्ते किसी का न किसी की कोई वस्तु नहीं चुरानी और किसी का विचार भी नहीं चुराना आजकल प्लेगरिज्म के जमाने में बड़ा मुश्किल काम है और रिसर्च में प्लेगरिज्म का सॉफ्टवेयर आया इसलिए क्योंकि हम लोग विचार चुरा लेते हैं लोगों के और यहाँ तक कि शब्द भी चुरा लेते हैं तो वो भी चोरी मानी गई है और उसको भी खराब माना गया है तो सत्य अहिंसा अस्तेय उसके बाद अपरिग्रह यानी कि जितनी जरूरत है उससे यदि आवश्यकता से अधिक चीज़ों का संग्रह करना अपरिग्रह आ, तो आवश्यकता से अधिक चीज़ों का संग्रह नहीं करना चाहिए इसको अपरिग्रह कहा गया है और पांचवा है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए यदि आप इन पंच पंच महाव्रत का पालन करते हैं और चार काशाए चार काशाएं मैंने आपको बताए थे क्रोध लोभ मोह और अहंकार क्रोध लोभ मोह और अहंकार आपको अपने आप को इन से मुक्त रखना है और पंच महाव्रत का पालन करना है तभी आप जो आखिरी के जो तीन ज्ञान है यानी कि जो मैंने आपको बताया अवधि ज्ञान और दूसरा मन पर्याय ज्ञान और तीसरा कैवल्य ज्ञान इनकी प्राप्ति केवल तब हो सकती है जब आप पंच महाव्रत का पालन करें और चार से अपने का मुक्त रखें लास्ट जो नॉलेज है वो है कैवल्य ज्ञान कैवल्य ज्ञान को पूर्ण ज्ञान कहा जाता है ये एक ऐसी स्थिति है जब जिसमें जैन दर्शन के अनुसार कुछ जानना शेष नहीं रह जाता ज्ञाता और ग् की स्थिति के बीच का जो अंतर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है ज्ञाता मतलब जो मैं जो जानकारी रखता है और गिय मतलब यानी कि जो जानकारी होनी चाहिए जब आपको सारी जानकारी हो जाएगी तो ज्ञाता और ज्ञा के बीच का जो अंतर है बिल्कुल खत्म हो जाता है ऐसी स्थिति को ही पूर्ण ज्ञान की स्थिति या कैवल्य ज्ञान की स्थिति कहा गया है इसके साथ ही साथ ज्ञान के ही संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा क्योंकि एग्ज़ाम्पल से हो सकता है कि आपको थोड़ी सी फिलोसफी पढ़ते से बोरियत महसूस हो जाती है एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा एक बार क्या था कि एक हाथी था और एक हाथी खड़ा कर दिया गया लकड़ी का हाथी बनाकर और पांच जो अंधे थे अंधे व्यक्ति चुने गए और पांच अंधे व्यक्तियों से कहा गया कि अब जाके ये पता लगाइए आ, ज, आ, 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 आपको हाथी दिखाया जा रहा है आप हाथी को आ, पता लगा हाथी कैसा होता है तो सब लोग गए उन्होंने हाथी को छुआ हाथी को महसूस किया और वापस आ गए उसके बाद एक व्यक्ति जिसने हाथी का पैर आ, को टच किया था वो कह रहा है कि हाथी का मतलब होता है एक बहुत आ, गोल सी और लंबी सी चीज़ यानी कि कोई खंभे की तरह वो ही हाथी होता है एक व्यक्ति जिसने उसके कान पकड़ा था जिसको कान को टच किया था तो उसने कहा हाथी का मतलब होता है एक चौड़ी सी चीज़ जो सूप की तरह होती है एक तरीके से हिंदी में सूप का अर्थ होता है कि एक डिवाइस एक, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो गेहूं छानने के लिए यूज़ किया जाता है तो सूप कहा जाता है हिंदी में तो इनका हाथी का मतलब ऐसा होता है कि सूप की तरह उसके बाद एक व्यक्ति जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी उसने कहा हाथी तो एक झाड़ू की तरह होती है तो एक व्यक्ति जो उसने सूंड जिसके सूंड को हाथ लगाया तो उसने कहा हाथी का मतलब तो होता है कि एक लंबी सी चीज जो फ्लेक्सिबल होती है तो कहने का अर्थ हो गया कि अब इस स्थिति को जैन धर्म ने एक कॉन्सेप्ट दिया है अनेकांतवाद और सियातवाद इसके साथ जोड़ा है सियादवाद और अनेकांतवाद जैन दर्शन यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी पदार्थ को उस रूप में समझना जिस रूप में वो वास्तविक रूप से है प्रमाण कहलाता है लेकिन प्रमाण को जानना हमेशा संभव नहीं होता हम लोग के पास जितना ज्ञान है उस ज्ञान के हाँ द कंक्लूजन ऑफ स्टोरी अभी बताया नहीं गया है शेफ जायसवाल द कंक्लूजन ऑफ स्टोरी इज दैट कि हर व्यक्ति के पास जो ज्ञान है वो कभी भी वो ज्ञान जो है वो रिलेटिव नॉलेज है यानी कि सापेक्ष ज्ञान है किसी के पास एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है क्योंकि हम लोग अपने अपने हम सभी का प्रीवियस एक्सपीरियंस अलग अलग है हम लोग जिस कोई भी चीज हम लोग देखते हैं तो अपने पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज को देखते हैं तो जो पूर्व संदर्भों का जो ज्ञान है उसी उस पूर्व जो हमारे संदर्भ रहे हैं उन संदर्भों की वजह से अनुभवों की वजह से ही हम लोग ज्ञान को अलग अलग तरीके से देखते हैं अगर दस लोग होंगे एक ही चीज को देखेंगे तो उस चीज की एक्सप्लेनेशन दस लोग अलग अलग तरीके से करेंगे और इसी इसी चीज को ही इन्होंने सियादवाद की अवधारणा दी है कहा है इनके अनुसार कि पदार्थ को किसी विशेष संदर्भ या किसी अलग दृष्टि से देखने को न और यह मिला के शब्द बनाए नए नए कहा गया है और नए का अर्थ होता है दृष्टिकोण मेरा दृष्टिकोण अलग है आपका दृष्टिकोण अलग है यानी कि आपका नय अलग है मेरा नय अलग है और उसके आधार पर जब भी हम किसी चीज़ को देखकर और उसके उसको उसके बारे में कुछ बात बोलते हैं तो हम अपने नए के आधार पर बोलते हैं अपने दृष्टिकोण के आधार पर बोलते हैं और जैसे कि बात की जाए पृथ्वी क्या है तो इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति अलग तरीके से देगा कोई बोलेगा पृथ्वी एक ग्रह है कोई बोलेगा कि पृथ्वी एक लगातार सूर्य के चक्कर काटने वाला ग्रह है कोई बोलेगा पृथ्वी प्राणदायनी है कोई बोलेगा पृथ्वी एक नीला ग्रह है कोई बोलेगा पृथ्वी हमारी माता है मतलब तो हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से ज्ञान को ग्रहण करता है और यही एक ही ज्ञान को सापेक्षिक रूप से अलग अलग तरीके से व्याख्या करना सियादवाद कहलाता है अनेकांतवाद कहलाता है तो ज्ञान के सापेक्ष रूप को द रिलेटिव फॉर्म ऑफ नॉलेज इज नोन एज सियादवाद अंडर द जैनिज्म सब्जेक्टिव नॉलेज यस सब्जेक्टिव इज के साथ सब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव इज द करेक्ट वर्ड लेकिन और इसको स्पे, स्पेसिफिकली कहें तो रिलेटिव नॉलेज रिलेटिव नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज सियादवाद तो मोटे मोटे तौर पे अगर समझे तो जैन दर्शन कहता है कि, कि किसी भी प्रकार का अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए खास करके जो बाद के तीन ज्ञान मैंने बताया आपको अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान और कैवल्य ज्ञान इनको प्राप्त करने के लिए आपको पंच महाव्रत और चार काशाय का पालन करना ही होगा इसको मैं फाइव प्लस फोर की संख्या देता हूँ मैं बार बार जब अपने स्टूडेंट्स को ये क्योंकि पंच महाव्रत और चार काशाय इनका जिक्र जैनिज्म में कई बार हुआ है तो बार बार इसको रिपीट करने की बजाय मैं आ, हर बार एक बार दो या तीन बार समझाने के बाद फिर मैं इसको फाइव प्लस फोर बोलता हूँ तो फाइव प्लस फोर का मतलब हो गया कि पांच महाव्रत का पालन करना है और फोर जो चार काशाएं हैं बैड हैबिट्स हैं उनको हमें छोड़ना है तो अभी तक हमने पढ़ा जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान मीमांसा इसमें हमने पढ़ा कि मुख्य तौर पर ज्ञान क्या है जीव और अजीव के बीच के संबंध को जानना और उस संबंध को जानने के लिए ज्ञान के उन्होंने पांच प्रकार बताए हैं मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान और कैवल्य ज्ञान उसके पश्चात से हमने पढ़ा स्यादवाद क्या है सियादवाद है एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है एक ही चीज को अलग अलग तरीके से व्याख्या की जा सकती है तो ज्ञान का जो ये रूप है जिसको हम लोग सापेक्षिक रूप सापेक्ष रूप कहते हैं इसी रिलेटिव नॉलेज को ही स्यादवाद या अनेकांतवाद की संज्ञा दी गई है तो ये सारा का सारा इपिस्टमोलॉजी के अंदर था अब हम बात करते हैं मूल्य मीमांसा की मूल्यमीमांसा होता है एक्जियोलॉजी एक्जियोलॉजी हमें बताती है कि किसी भी चीज़ को समझना उससे हम क्या क्या चीज़ें डिराइव कर सकते हैं जैन दर्शन के अनुसार मूल्य मीमांसा क्या है जैन दर्श हमें किन मूल्यों की शिक्षा देता है अभी हम अभी अभी हमने पढ़ा जैन दर्शन हमें शिक्षा देता है पंच महाव्रत का पालन करने की जैन धर्म हमें शिक्षा देता है चार काशायों से अपने आप को मुक्त रखने की और इनको इस इन दोनों चीज़ों के लिए जैन धर्म ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसको जैन धर्म में कहा जाता है रत्न त्रय रत्न त्रय और सामान्य भाषा में त्रिरत्ना त्रिरत्न तो जय देखिए यहां पे एक टेक्निकल पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आपको एग्जाम में सवाल आया त्रिरत्न किसे कहते हैं या त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट किसने दिए या किस दर्शन से संबंधित है त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में भी है जहां पर प्रज्ञाशील समाधि जो अष्टांग मार्ग के आठ मार्ग हैं, उनको ब्रॉडली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रग्या, शील और समाधि में तो प्रग्या, शील, समाधि को का कहा जाता है। और का दर्शन में जो त्रिरत्न का दिया गया है उनके अनुसार त्रिरत्न होते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र आई रिपीट जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्ना मीन्स सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र राइट फिलॉसफी राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट इन तीनों को जैन धर्म के अनुसार रत्नत्रय या त्रिरत्न कहा गया है ठीक है इसको थ्री जेम्स ऑफ जैन दर्शन भी कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओके आई विल ट्राई टू गिव यू द नोट्स ऑफ इज सेइंग दैट प्लीज प्रोवाइड पीपीटी इन द ग्रुप एक्चुअली पीपीटी भी प्रोवाइड कराई जा सकती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीपीटी पी टी में uh, सारी चीज़ें बड़ी शॉर्ट फॉर्म में होती हैं और वो एक्सप्लेनेशन uh, उतनी अच्छी हो नहीं पाती लेकिन अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आई विल मेक द पीपीटी और आई विल शेयर द नोट्स विद यू ऑल तो ज्ञान मीमांसा के बाद हम लोगों ने मूल्य मीमांसा की बात की थी मूल्य मीमांसा बात करती है मूल्यों की और जैन मूल्यों के आधार पर हमारे उद्देश्य निर्धारित होते हैं मूल्यों के आधार पर हमारा कंडक्ट निर्धारित होता है तो जैन दर्शन के अनुसार जैन दर्शन का किसी जैन दर्शन के अनुसार किसी व्यक्ति का के जीवन का अंतिम उद्देश्य कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होता है और कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए त्रिरत्ना को का पालन आपको करना पड़ेगा और त्रिरत्ना क्या है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ने कहा कि त्रिरत्ना का पालन करना है तो ये सम्यक दर्शन है क्या चीज हाउ वी कैन एंश्योर दैट वी आर फॉलोइंग त्रिरत्ना तो इसके लिए सुन लीजिए सम्यक दर्शन का अर्थ होता है जैन धर्म में जो भी चीजें आई हैं वो तीर्थंकरों ने दी हैं और उसके बाद कुछ उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने लिखा है तो तीर्थंकरों ने जितनी भी शास्त्र दिए हैं उन शास्त्रों के प्रति यदि कोई भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा रखता है उन शास्त्रों के प्रति अपनी विनम्रता रखता है श्रद्धा रखता है उन शास्त्रों को के प्रति एक श्रद्धा का भाव रखता है तो केवल उस भाव को रखना ही सम्यक दर्शन कहलाता है और जब कोई व्यक्ति उन सभी शास्त्रों जो कि 24 तीर्थंकरों ने अपने उन्होंने या उनके अनुयायियों ने दिए हैं जब कोई व्यक्ति उन सभी शास्त्रों का अध्ययन करता है तब उनके अध्ययन से जो से ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा गया है सम्यक दर्शन जैन धर्म के जो चौबीस तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने जो शास्त्र दिए हैं उन शास्त्रों में श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन उन शास्त्रों का ज्ञान लेना सम्यक ज्ञान और उन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अनुसार आचरण करना सम्यक चरित्र सम्यक दर्शन श्रद्धा का से अर्थ सम्यक दर्शन का अर्थ श्रद्धा से है किसके प्रति उन शास्त्रों के प्रति जो चौबीस तीर्थंकरों ने दिए हैं और उन शास्त्रों में जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करना सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को अपने आचरण में लेके आना सम्यक चरित्र तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनको त्रिरत्न कहा गया है और त्रिरत्न के पालन से ही आपकी बद्ध आत्मा मुक्त आत्मा में परिवर्तित हो सकती है और त्रिरत्न का पालन करते समय सम्यक चरित्र का पालन करते समय आपको वही फाइव प्लस फोर का हमेशा ध्यान रखना है कि पंच महाव्रत का पालन करना है और चार काषायों का पालन करना है तो अभी तक मैंने जो आपको बताया है उन सबको मैं एक बार जल्दी से नट में आपको रिपीट कर देता हूं अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले मैंने आपको दर्शन के बारे में बताया सिंपल फिलॉसफी क्या होती है और कैसे फिलॉसफी और दर्शन भी सिमिलर है लेकिन सिनोनियम नहीं एग्जैक्टली exactly सेम नहीं है देर इज स्लाइट डिफरेंस इन दर्शन एंड फिलोसफी तो दर्शन भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको बताया फिलॉसफी मैंने वेस्टर्न फिलॉसफी के कंटेक्स uh, में आपको समझाया फिर मैंने बताया भारतीय दर्शन को दो कैटेगरी में बांटा गया आस्तिक और नास्तिक उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी इसके बाद हमने जैन दर्शन आरंभ किया जैन दर्शन के प्रवर्तक का नाम बताया आपको सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे और चौबीसवें तीर्थंकर कौन थे और तेईसवें तीर्थंकर कौन थे तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है और चौबीसवें तीर्थंकर जो थे वो भगवान वर्धमान महावीर थे और पार्श्वनाथ जी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने चार महाव्रत का कॉन्सेप्ट दिया था और उन सभी व्यक्तियों को कहा था उसका पालन करना चाहिए और भगवान महावीर में उसमें मह, भगवान महावीर जी ने उसमें एक महाव्रत और ऐड कर दिया जिसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है तो पंच महाव्रत बन गए भगवान महावीर के ब्रह्मचर्य को ऐड करने के पश्चात इसके बाद फिर मैंने आपको बहुतत्ववादी दर्शन कहा जाता है जैन दर्शन को और जैन दर्शन को बहुतत्ववादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसमें बहुत सारे तत्वों की व्याख्या की गई है जैन दर्शन के अनुसार पूरा ब्रह्मांड द्रव्य से बना है और द्रव्य को दो कैटेगरी में बांटा गया है अस्तिकाय अनअस्तिकाय अस्तिकाय को फिर दो कैटेगरी में बांटा गया है जीव और अजीव और फिर हम जीव की बात करते हैं तो जीव का अर्थ है आत्मा आत्मा दो प्रकार की होती है बद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा जो शरीर युक्त है जो कर्म बंधन से जुड़ी हुई है यदि बद्ध आत्मा या कोई भी शरीर युक्त आत्मा पंच महाव्रत का पालन करे चार काषायों को निषेध करे का पालन करे तब वह मुक्त आत्मा बन सकती है कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कर सकती है ऐसा व्यक्ति जिन्होंने कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कर ली है वो उस व्यक्ति को ही आ, मुक्त आत्मा की श्रेणी में रखा जा सकता है इसके बाद अजीव के बारे में बताया मैंने अजीव चार होते हैं पुद्गल आकाश धर्म और अधर्म तो बहुतत्ववादी दर्शन बताने के पश्चात फिर मैंने आपको बताया कि जैन दर्शन के अनुसार तत्व सॉरी ज्ञान मीमांसा क्या होती है और जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान मीमांसा में मैंने आपको बताया कि जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ होता है जीव और अजीव के संबंध का ज्ञान कर लेना जीव और अजीव के बीच में क्या संबंध है इस बात का ज्ञान हो जाना वास्तविक ज्ञान कहलाता है और इन्होंने ज्ञान के पांच भेद बताए हैं मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान कैवल्य ज्ञान इसके पश्चात हमने स्यादवाद की अवधारणा को पढ़ा कि स्यादवाद की जो अवधारणा है स्यादवाद की धारणा सापेक्षिक ज्ञान के संदर्भ में दी गई है इनके अनुसार हर व्यक्ति का जो ज्ञान है वो उसके अनुभव और उसके संदर्भ से प्रभावित होता है इसीलिए हर व्यक्ति किसी भी चीज़ की व्याख्या अलग अलग तरीके से देखता है और हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग होता है इसके पश्चात फिर हमने मूल्य मीमांसा के बारे में पढ़ा और हमने उसमें पढ़ा कि जैन दर्शन का जो अंतिम उद्देश्य है वो कैवल्य प्राप्ति है और कैवल्य प्राप्ति केवल तब हो सकती है जब आप त्रिरत्ना का पालन करते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र जिसमें सम्यक दर्शन का अर्थ मैंने बताया चौबीस तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित शास्त्रों के प्रति अपना श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन चौबीस तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित शास्त्रों का ज्ञान होना सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को अपने आचरण में लेके आना पंच महाव्रत का पालन करते हुए चार काषायों को निषेध करते हुए तब उसको कहा गया सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र को मिलाकर त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है और इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो त्रिरत्न का पालन करता है वह बद्ध आत्मा से मुक्त आत्मा में जा सकता है यानी कि उसको तो कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और यहाँ तक मैंने अभी आपको समझाया इसके बाद एक छोटी सी चीज और जो अभी और समझ लेते हैं जैन धर्म के दो संप्रदाय हुए हैं एक दिगंबर और श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय के जो लोग हैं जो लोग दिगंबर संप्रदाय हालांकि अगर हम कॉन्सेप्चुअली करें या इनकी आ, जो नॉलेज ये देते हैं या जिन आ, पंच महाव्रत का पालन करने के लिए कहा जाता है चार काषायों का पालन करने के लिए कहा जाता है जो शिक्षाओं के बारे में कहा जाता है वो दिगंबर और श्वेतांबर की एक है सेम है लेकिन जो प्रैक्टिस है वो दिगंबर और श्वेतांबर की अलग है दिगंबर लोग आ, जो दिगंबर संप्रदाय है वो ये मानता है कि जितनी दिशाएं हैं वो ही हमारे वस्त्र होती हैं तो इसलिए ये लोग निर्वस्त्र रहते हैं और इनके अनुसार स्त्रियां मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त करने का हकदार नहीं होती जबकि जो श्वेतांबर है वो इस बात में विश्वास नहीं रखते उनके अनुसार पुरुष और स्त्री दोनों को ही कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है दोनों को ही दोनों की आत्मा मुक्त आत्मा हो सकती है कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति दोनों को ही हो सकती है और ये लोग हमेशा श्वेत वस्त्रों में रहते हैं अब जो दिगंबर विचारधारा है इस विचारधारा के प्रतिपादक भद्र बाहु, आप नाम नोट कर लीजिए दिगंबर विचारधारा के जो प्रतिपादक हैं वो भद्र भद्र बाहु हैं और श्वेतांबर विचारधारा के जो प्रतिपादक हैं वो स्थूल भद्र स्थूल भद्र ये श्वेतांबर विचारधारा के प्रतिपादक हैं तो इन सबको पढ़ने के पश्चात अब एक छोटा सा टॉपिक और रह गया जिसको हम लोग बोलते हैं जैन धर्म के मूल तत्व कौन कौन से हैं तो जैन धर्म या ये कह लीजिए जैन धर्म की तत्व मीमांसा क्या है तो जैन धर्म अगर जैन दर्शन को अगर हम पढ़ें तो ये बहुतत्ववादी दर्शन है तो अगर इसकी तत्व मीमांसा की बात की जाएगी तो आप बताएंगे कि जैन धर्म के अनुसार तत्व का मतलब द्रव्य द्रव्य का पूरा क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया है तो तत्व मीमांसा में बस वही क्लासिफिकेशन आता है जिसमें द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है अस्तिकाय और नस्तिकाय फिर अस्तिकाय को दो भागों में बांटा गया अजीव और जीव और अजीव में और फिर जीव को बद्ध जीव और मुक्त जीव बांटा गया है तो जो क्लासिफिकेशन पूरा दिया गया है यही क्लासिफिकेशन बेसिकली तत्व मीमांसा को प्रदर्शित करता है तो हमने ज्ञान मीमांसा मूल्य मीमांसा तत्व मीमांसा ये जो आ, तीनों चीजें थी इसको हमने पढ़ लिया और इसके पश्चात आपको जो चीज़ याद रखनी है एक दो चीजें और हैं जिसके ऊपर आपको सवाल पूछा जा सकता है वह कि कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग क्या है कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग क्या है तो बड़ा सिंपल सा मार्ग है पंच महाव्रत का पालन करना है चार काषाएं को निषेध करना है जब आप पंच महाव्रत का पालन करेंगे चार काषायों का निषेध करेंगे और त्रिरत्ना का पालन करेंगे तो उससे क्या होगा कि जितनी भी आपकी बुराइयाँ हैं वो बुराइयां धीरे धीरे खत्म होनी आरंभ हो जाएंगी और इस स्थिति को जैन धर्म में संवर की स्थिति कहा है यानी कि जो बाहर से जितने भी कर्म आ जब पंच महाव्रत का पालन करेंगे चार का निषेध करेंगे त्रि रत्न का पालन करेंगे तो बाहर से जितने भी कर्म आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं वो सब आपकी तरफ आकर्षित होने बंद हो जाएंगे यानी कि आपने अपने चारों एक ऐसा आवरण बना लिया जिस आवरण से अब आ, कर्म आपको बांधने का प्रयास करेगा ही नहीं तो इस स्थिति को जैन धर्म में एक नाम दिया गया है संवर स व और र और स के ऊपर अंग बिंदी है संवर तो संवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें कर्मों का जीव जीव की ओर बहाव रोकने का प्रयास किया जाता है जैसे जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारी को लेकर तो डॉक्टर सबसे पहले ये इंश्योर करता है कि कोई और बीमारी आपको ना लगे तो इसलिए आपको प्रोटेक्ट किया जाता है आईसीयू में रखा जाता है अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है तो कोई और बीमारी ना लगे यानी कि किसी कोई और कर्म आपको ना छुए इसके लिए जो आपको प्रैक्टिस करनी होती है इसको सवर की प्रक्रिया कहा गया है यानी कि नए कर्मों को ग्रहण करने से व्यक्ति को रोकना और इसके लिए आपके लिए आपको पंच महाव्रत चार काशा त्रि रत्न का पालन करना होता है इससे क्या करें इससे क्या होगा आपके चारों एक ऐसा आवरण बन जाएगा जिस आवरण से कोई भी चीज आपके आसपास नहीं आएगी क्लियर इसके बाद सवर के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है निर्जरा जब कोई आपने एक चारों तरफ आवरण बना दिया कि कोई कर्म आपको नहीं छुएगा तो उसके पश्चात फिर अगली स्थिति क्या आती है अगली स्थिति आपकी अतिर निर्जरा 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 का अर्थ होता है निर्जरा का अर्थ होता है कि आपको बता दो क्लास चल रही है निर्जरा का अर्थ होता है कि पहले से जो आपके कर्म हैं, जो आपने पह, जिन कर्मों ने आपको पहले से जकड़ा हुआ है उन कर्मों से आपको मुक्ति दिलाना है तो पहले सवर यानी कि आपके चारों ने ऐसा आवरण तैयार करना कि नए कर्म आपको ना आकर्षित करें ना नए कर्म आपको ना जोड़े और निर्जरा में जो जिन कर्मों से आप पहले से जुड़े हुए हैं उनसे आपको मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जाता है और संवर और निर्जरा से होते हुए फाइनली आप अनंत चतुष्टय की स्थिति में आ जाते हैं और अनंत चतुष्टय की स्थिति में आप तब आते हैं जब किसी जीव के कर्म पूरे तरीके से समाप्त हो जाते हैं यानी कि कर्मों का जो प्रभाव है जब किसी व्यक्ति के जीव किसी जीव के ऊपर कर्मों का सारा प्रभाव खत्म हो जाता है तब ऐसी स्थिति में वह जीव कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तो पूरे जैन दर्शन में कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखनी है जैन दर्शन के प्रतिपादक कौन थे जैन दर्शन आ, आ, आस्तिक दर्शन है या नास्तिक दर्शन है अच्छा जैन दर्शन वेस्टर्न फिलोसफी में किससे मिलता जुलता है तो जैन दर्शन रियलिज्म से काफ़ी मिलता जुलता है ठीक है तो उसको आप आ, नोट कर सकते हैं क्वेश्चन आपको आया हुआ है जब रियलिज्म पढ़ेंगे तो उसको उसको फिर दोबारा जैन दर्शन से रिलेट कर देंगे और इसके अलावा फिर आपको आ, सवाल आपको आ, आते हैं कि जैन धर्म के संप्रदाय कौन कौन से हैं तो दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदाय हैं इनके प्रतिपादक के नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं डिस्कशन में इसके पश्चात जैन दर्शन का तत्व मीमांसा क्या है ज्ञान मीमांसा क्या है मूल मीमांसा क्या है ये मैंने आपको समझा दिया है और इन तीनों को समझाने के पश्चात कुछ और चीज़ें जो आपको याद रखनी है जैसे त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट सियादवाद का कॉन्सेप्ट पंच महाव्रत का कॉन्सेप्ट चार काशाय का कॉन्सेप्टी एच इट्स सिंपल डी। दिन डिफरेंस इन मीनिंग ऑफ एपिस्टमोलॉजी इन ज्ञान मीमांसा नो 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 इट्स नॉट लाइक दैट इट्स सिमिलर टू दॉजी एंड ज्ञान ज्ञान मीमांसा इज सिमिलर टू एपिस्टमोलॉजी सो विद दिस वी कैन फिनिश अप विद टू डेज क्लास आई विल सी टू इट कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया होगा तो मैं उसको अगली क्लासेस में कवर अप कर लूँगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अच्छी किताबों से पढ़ें और यूजीसी नेट के लिए आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा उन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा जो चीज़ें इन क्लासेज में आपको बताई जा रही हैं बहुत सारी चीज़ें आपको जर्निज्म पे मिलेंगी लेकिन सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है मैंने आपको बताया चार पांच क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए वो तो कई बार रिपीट हुए हैं जैसे त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट कई बार आया है और उसमें ऑप्शन में बुद्धिज्म भी दिया हुआ है जिन, जिन लोगों ने जैनिज्म को अच्छे से नहीं पढ़ा वो लोग बुद्धिज्म को टिक करके आ जाते हैं कि प्रज्ञाशील समाधि जो बुद्धिज्म में त्रिरत्न दिए हुए हैं वही त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है जबकि जैनिज्म के त्रिरत्न बुद्धिज्म के त्रिरत्न से पहले आए थे तो इसलिए जब भी ये कॉन्सेप्ट आता है कि त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट किसने दिया या किस दर्शन से संबंधित है तो आप इसको जैनिज्म में टिक करेंगे ना कि बुद्धिज्म में टिक करेंगे इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको आता है कि जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा क्या है तो वो है जियो और जीने दो। और जीने दो दो जियो और और जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा है ये सवाल आपको कई बार पूछा जा है चुका है इसके अलावा आपको पुद्गल के ऊपर सवाल आया है इसके अलावा आपको द्रव्य के ऊपर सवाल आया है इसके अलावा आपको दिगंबर श्वेतांबर जो दिगम्बर और श्वेतंबर पर आपको सवाल आया है तो कई आ, सवाल जो मैंने क्लास में आपको डिस्कस किए हैं वो सब आपको एग्ज़ाम में आ चुके हैं तो आप लोग भी अपनी तरफ से सवाल कीजिएगा और ग्रुप पे डालिएगा टेलीग्राम ग्रुप पे डालिएगा मेरा नाम लेकर भी डाल सकते हैं तो आई विल सी टू इट अगर मुझे लगेगा कि कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करनी थी तो वो ऐड कर दी जाएंगी और आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा होपफुली आपकी क्लास थोड़ी सी एक्सटेंसिव थी और थोड़ा सा मुझे लगा कि हम ज़्यादा टेक्निकल हो गए और लेकिन बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए तो जो लोग क्लास शुरू से नहीं अटेंड कर पाए प्लीज़ इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच